मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए पति ने खतरनाक साजिश रची। उसने पहले पत्नी का बीमा करवाया, फिर 5 लाख की सुपारी देकर बदमाशों से उसकी हत्या करा दी। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामला राजगढ़ के कुरावर थाने इलाके के माना जोड़ का है। 26 जून को पूजा मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही साजिश रचने वाला आरोपी उसका पति भद्री प्रसाद मीणा है। उसने न केवल सातिराना अंदाज में पूजा की हत्या करवाई, बल्कि मौसेरे भाई को इस मामले में फंसाने की कोशिश भी की। बीमा की रकम जल्द पाने के तरीके खोजने के लिए उसने गूगल और यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च किए थे। इन हालातों में ये पैसे जल्दी मिल जाते हैं। खास बात तो यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए का इंतजाम भी आरोपी पति ने उधार लेकर किया था। राजगढ़ एडिशनल SP मनकामना प्रसाद ने बताया कि भद्री प्रसाद पर 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज था। उसने यह कर्ज उतारने के लिए पत्नी का 35 लाख रुपए का बीमा करवाया। वहीं भद्री इस बीमा राशि से कर्ज चुकाना चाहता था। उसने बीमा की राशि को हड़पने के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रची। गोलू मीणा, साकिर शाह और हुनरपाल सिंह को 5 लाख रुपए में पत्नी की सुपारी दे दी। वहीं तीनों ने गोली मारकर पूजा की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी भद्री प्रसाद और हुनरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोलू और साकिर फरार है। आपको बता दें कि ये दोनों पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।